गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? वेरी गुड। सभी स्टडीज कर रहे हैं ना, अपना होमवर्क है ना? अच्छे बच्चे हैं ना सभी? गुड। अभी हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट हमारा मैथ। मैथ में अभी हमने 1 to 10 नंबर सीखे ना, एक बार रिवाइज करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम 10 से आगे चलेंगे। 10 के बाद क्या आता है? 1, 1, 11। क्या आता है? 1, 1, 11। तो आज हम क्या सीखेंगे? नंबर 11 को लिखना। ओके, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास पिक्चर्स है। क्या है ये? स्टार्स। क्या है? स्टार्स। आपने स्काई में देखा होगा ना, नाइट में निकलते हैं व्हाइट व्हाइट चमकते रहते हैं स्टार्स, है ना? तो काउंट कीजिए और उनको बताइए कितने हैं। काउंट एंड से काउंट कीजिए। 1, 1, 11। कहाँ हूँ मैंने स्टार? 11। काउंट किया, क्योंकि हमें काउंटिंग आती है इसलिए हमने इनको काउंट किया इजीली। तो कितने हुए हमारे स्टार्स? कितने हैं? हाउ मैनी स्टार? 11। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 11। 1 लिखना सबको आता है ना? स्टैंडिंग लाइन पे देंगे। क्या बन गया ये? 1। तो देखिए हम इसको बोल कैसे रहे, रीड कैसे कर रहे हैं? 1, 1, 1, 1, 1, 11, 1, 1। क्या बन गया ये? 11। इजी है ना? अभी तक हम एक नंबर के कर रहे थे ना, जैसे लाइक 1, 2, 3, ये 1, 1 नंबर थे। अब हमारे 10, 9 के बाद 1, 0, 10, 2 नंबर हो जाते हैं। ऐसे ही 1, 1, 11। 11 इतना बहुत इजी है। 1, 1, 11। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इनकी। बुक में आपके भी दिए हुए हैं, नोटबुक में भी। बुक्स के मैं आपको बार बार बताती हूँ ना, बॉक्स के नीचे टच होना चाहिए, ऊपर टच नहीं होना चाहिए। नीचे से जो हम बॉक्स हमारी नोटबुक बनी हुई है, तो नीचे की लाइन है उसको हम टच करके लिखेंगे, तभी आपकी फॉर्मेशन अच्छी आएगी।